कृषि को अक्सर भारत में एक श्रमसाध्य पेशे के रूप में देखा जाता है। अगर पानी का संकट बड़े स्तर पर हो तो खेती में मेहनत दोगुनी हो जाती है। पानी के संकट की वजह से तमिलनाडु के पहाड़ी जिले नीलगिरी के किसानों के लिए खेती का काम लगातार मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बाद अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। लघु सिंचाई सहायता योजना कोटा जनजाति के इन किसानों के लिए तारणहार के रूप में सामने आई है। इलाके में लगभग 7000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब ड्रिप सिंचाई प्रणाली से कवर किया जा चुका है। इस साल जिले में 2000 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर इस योजना को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 7000 हेक्टेयर को योजना के तहत कवर किया गया है। इस वर्ष लक्ष्य 2000 हेक्टेयर है। ड्रिप सिंचाई उपकरण स्थापित करने की योजना को छोटे और सीमांत किसानों के लिए 100% अनुदान और 5 एकड़ से ऊपर वाले किसानों को 75% अनुदान दिया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी पानी की प्रति बूंद से अधिक फसल उगाने के उद्देश्य के साथ इस योजना का मकसद कृषि के अंतर्गत सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करके किसानों के उत्पादन लागत को कम करना और उनकी आय को दोगुना करना है। नीलगिरी जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ के किसान आलू, गाजर, गोभी और कई प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। आदिवासी बहुल इस इलाके में इस योजना के सफल क्रियान्वयन से बेहतर नतीजे मिल रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए निशुल्क स्प्रिंकलर सिस्टम दिया गया है। मैंने इसे खेती के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए मुझे ज्यादा पानी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस प्रक्रिया में बहुत पानी बचा लिया है और फसलें भी अच्छी तरह से निकल आई हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने मुझे एक बड़े क्षेत्र में अधिक फसलों की खेती करने में मदद की है। कम पानी देने के साथ बेहतर रिटर्न दिया है। इस पहल के लिए केंद्र सरकार और बागवानी विभाग का मैं धन्यवाद करता हूँ। आलू, गाजर और गोभी की खेती के बाद अब इस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को चाय किसानों के लिए भी उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। जाहिर है किसान पानी की बचत के साथ ही उत्पादन में बढ़ोतरी के इस दोहरे फायदे का भरपूर लाभ ले रहे हैं।